वाई इज इक्वल टू, आगे करता हूँ, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 5x² प्लस 3x प्लस 7। तो इसमें भी मुझे क्या सोचना पड़ेगा, कौन सी फॉर्मूला, ई रेस टू एक्स की फॉर्मूला। तो मैंने आपको समझाया कि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। तो ई रेस टू, मान लो कि आपके पास साइन एक्स है, ई रेस टू साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू साइन एक्स ही होगा। और उसके बाद आपको किसका डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का डेरिवेटिव। तो ई रेस टू साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन के अंदर ई रेस टू, मान लो कि ऊपर कोई पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 3 है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स होता है, दैट इज 5x² प्लस 3। अब उसके बाद आपको किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 5x² प्लस 3 का डेरिवेटिव। तो इज इक्वल टू ई रेस टू 5x² प्लस 3, इसका डेरिवेटिव होगा 10x हो जाएगा ना, 2 आगे आ जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव 0, दैट इज इसका आंसर क्या आ सकता है, 10x इंटू ई रेस टू 5x² प्लस 3। ओके, तो बस यही मेथड से मुझे ये सम करना है, ई रेस टू 5x² प्लस 3x प्लस 7। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। ओके, अब उसके बाद आपको किसका डेरिवेटिव करना है, 5x² प्लस 3x प्लस 7 का डेरिवेटिव। तो 2 आगे आ जाएगा, तो 10x प्लस 3, अब 10x प्लस 3 आगे, और ये पद एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। ओके, ये मैंने चैन रूल्स के सम लिए हैं, बहुत सारे सम हम ले सकते हैं बराबर, लेकिन ध्यान रखना चैन रूल्स मालूम पड़ेगा तभी आपको एक्सरसाइज भी मालूम पड़ेगी, आगे के चैप्टर में भी आपको मालूम पड़ेगा और आगे की एक्सरसाइज भी आपको मालूम पड़ेगी। चलो फ्रेंड, आगे की एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2। हम चैप्टर की 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैन रूल्स से। क्या है चैन रूल्स, डिफरेंटिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। पहला समय साइन x² प्लस 5, वाई इज इक्वल टू साइन x² प्लस 5, साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी पहले साइन का डेरिवेटिव, उसके बाद x² प्लस 5 का डेरिवेटिव। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, देयरफॉर 2x इंटू कॉस x² प्लस 5। ओके, चलो आगे का सम, कॉस साइन एक्स, देखना कॉस उसके साथ साइन थीटा के फॉर्म में है, साइन है कौन से फॉर्म में, कॉस के साथ थीटा के फॉर्म में। तो आपको पहले कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसके बाद जो थीटा के साथ साइन है उसका डेरिवेटिव होगा कॉस। ओके, थर्ड सम साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें भी देखो ए एक्स प्लस बी थीटा के फॉर्म में है, तो पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो ए बाहर निकल जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और बी कॉन्स्टेंट है तो 1, उसका तो डेरिवेटिव 0 ही होगा, यानी कि ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओनली ए, ये आगे आ जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पहले साइन का डेरिवेटिव ये थीटा के फॉर्म में है, इसमें भी सेकंड सम में भी ऐसा है, फर्स्ट सम में भी ऐसा है। ओके, चलो फोर्थ नंबर का सम, सेक टेन रूट एक्स, sec tan root x। तो आपको ये थ्री फंक्शन है, इसमें पहले sec का डेरिवेटिव करेंगे आप, उसके बाद tan का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद root x का डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले sec का डेरिवेटिव, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, फॉर्मूला आती हो तो झड़प से मालूम पड़ जाए ना, इसलिए तो फॉर्मूला 5 times लिखने के लिए बोला है मैंने आपको। तो sec का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स, और tan रूट एक्स, tan रूट एक्स तो थीटा के फॉर्म में, वो तो वही का वही रहेगा। ये मैंने sec का डेरिवेटिव किया,
अब किसका डेरिवेटिव करूँगा, टेन का, यानी कि डी बाई डी एक्स टेन रूट एक्स का। अब टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी फॉर्मूला याद हो तो टेन का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर होता है। ओके, उसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। बाकी के टर्म तो एज इट इज रहने देंगे, उसमें कोई चेंजिंग करेंगे नहीं। चलो सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स। यानी ये तो अपॉन में डिनोमीटर में, तो पूरा डिनोमीटर में आ जाएगा। क्लियर मालूम पड़ा, इसमें कितने फंक्शन थे, थ्री फंक्शन थे। पहले सेक का डेरिवेटिव करने का था, उसके बाद टेन का डेरिवेटिव, उसके बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उसके बाद टेन का सेक स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स। ओके, चलो फिफ्थ नंबर का सम, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें डिवाइड का रूल्स लगेगा, वाई इज इक्वल टू कह देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यू अपॉन वी। यू अपॉन वी की फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है, यू अपॉन वी, तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया था, डिवाइड का रूल्स। तो वी कांस्टेंट, ऊपर का न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव, माइनस यू कांस्टेंट, वी का डेरिवेटिव अपॉन में वी का स्क्वायर। इसी तरह आपके पास क्या है, देखो ऊपर साइन ए एक्स प्लस बी है, तो u की जगह पे साइन ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में v, तो v की जगह पे क्या आएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए v कांस्टेंट, यानी कि अपॉन में जो फंक्शन है वो कांस्टेंट, दैट इज कॉस सी एक्स प्लस डी कांस्टेंट। उसके बाद d बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव, दैट इज साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, बीच में क्या आएगा, माइनस। अब u कांस्टेंट, दैट इज साइन ए एक्स प्लस बी कांस्टेंट। और उसके बाद किसका डेरिवेटिव करना है आपको, d बाई डी एक्स ऑफ, कॉस का डेरिवेटिव, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। क्लियर, यानी अपॉन का टर्म था वो कांस्टेंट, ऊपर का जो न्यूमिनेटर था उसका डेरिवेटिव किया, बीच में माइनस, ऊपर जो न्यूमिनेटर था उसको कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और अपॉन में अपॉन का स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका सबसे पहला स्टेप था ये। अब साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए। अब ये टर्म कांस्टेंट, अब कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन ए सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सी, और अपॉन का टर्म एज इट इज। यानी ए पहले लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके बाद ये टर्म। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव तो पूरा हो गया, यहाँ तक डेरिवेटिव है। अब इसके आगे के जो दो स्टेप है वो पीछे का आंसर लाने के लिए हमने लिखा है, बराबर। इसके लिए मैंने सिंप्लीफाई दिया है, तो पहले अलग अलग डिनोमीटर दे देंगे, इसके अपॉन में ये टर्म आएगा, और ये जो टर्म है उसके नीचे ये आएगा, अलग अलग सेपरेट डिनोमीटर दे दिया। कॉस कॉस कट हो जाएगा, कॉस कॉस कट हो जाएगा, एक कॉस बाकी रहा, यानी कि सेक हो जाएगा, वन अपॉन कॉस, दैट इज सेक सी एक्स प्लस डी, और कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज, प्लस यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन अपॉन कॉस, दैट इज टेन सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, एक कॉस बाकी रहेगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, sec सी एक्स प्लस बी। ओके, मालूम पड़ा, ऐसा कोई भी सम हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर साइन और नीचे को, ऊपर कॉस है नीचे साइन भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी की जगह पे आपको कोई भी फंक्शन भी रख सकते हैं, पॉलिनोमियल भी रख सकते हैं। ओके,
मालूम पड़ा समय, पांच सम हमने किए। ओके okay?